घुमाएगा चाहे प्यार करेगा, हम देखेगा। हमारी तो सारी दुनिया में बात फैल गई, अब तो बात फैल गई, क्या करेगा कोई, जाने सब कोई। तो सबको पहले जीवन का हमारा मालूम है, जो सिंध में रहते होगे सारी दुनिया को मालूम पड़ा तो मैंने गुरु किया है, मेरे को भगवान भाई मिला है। नहीं तो हम बोलते थे ऐसा गुरु करेगा तो छिपाएगा, कभी किसको नहीं बताएगा तो मैंने गुरु किया है, ये हम इंसल्ट समझते थे। मेरा गुरु कौन बन सकता है, मैं खुद ही स्ट्रांग हूँ, मेरे को गुरु चाहिए भी नहीं। पर जब भी गुरु मिला तो 5-3 लोगों में मेरी बात फैल गई, अभी तक बात फैलती रहती है रोज। ना नहीं होगा तो जरूर किसी न किसी शहर में तुम जाएगा, वे जाएगा, वे जाएगा, हर शहर में तो देखो कहाँ ना कहाँ फैल जाएगा ना। जितना हमने बोला भगवान निराकार तू जैसे छिपा रहता है ऐसे हम छिपा ही रहेगा, इतना ही इन लोगों ने प्रकट कर दिया। अभी देखो टेप कई लोग भर के जाते हैं, पता नहीं किस किस को टेप मिलती होगी। कोई टेप सुन के आता है, कोई भवानी सुन के आता है, कोई कैसे सुन के आता है, कोई तुम्हारा जीवन सुन के आता है, उसमें हमारी क्या बात हुई। हमने नहीं चाहा था, जो हम चाहेंगे भी कैसे, हम निराकार है तो क्या चाहेंगे। पर जो होने वाली बात है, जिसको स्टेज में आने का है, कभी ये दिन हमको मालूम नहीं था। हमारे दादा को प्यार था तो कभी इसका नाम फेमस होगा, कभी हम देखेंगे तो मेरे जितने भी घर में भगत है वो सब इसको पहचाने, उसने ये रंग नहीं देखा। उसी टाइम किसी के मन से ऐसा आवाज नहीं निकला तो ये हमारा भगवान है। आज मेरी बात सुन के मैंने प्रकट किया है भगवान को तो वो लोग भी भगवान बोलते हैं, नहीं तो हमको उसके सामने बोला ही नहीं, कुछ नहीं बोला, वो बात ही दब गई। तभी उस दिन एक लड़की बोलने लगी कि आपका ज्ञान कहाँ छिपा पड़ा था जो आज निकला है। मुझे दादा ने एक दिन के लिए रखा था छिपा के हमको, वो दिन आज आया है, उसको विश्वास था तो भाई ये मेरा ही काम करेंगे और मेरा ही जो ज्ञान सबको देंगे, इनके अंदर में कुछ भी नहीं है। वो पहचानता था हम उसको पहचान देंगे, बाकी तीसरा कोई था ही नहीं। तीसरा यही ऐसे ज्ञान सुन के सुना के अपनी पूजा कराना मैं भगवान हूँ। अब भगवान के होने पर, गुरु के होने पर हम अपने को भगवान कहलाएं, कितनी बड़ी बात होगी, बुरी बात होगी, उसको ही हमारे को प्रकट करना पड़ा ना। हमारा कोई नाम भी लेता था दिल्ली में, हम उसको गाली देते थे तो दादा का ही नाम लियो, हमारा नाम भी, नाम तक नहीं लेना, बस हम कुछ रहे तो हमारा नाम उसके सामने नहीं लेना। तो जब हम इतने गुरु को प्रकट किया है शुरू से ही, एक दिन में हम गुरु को प्रकट करेंगे, वो मेरे से एक लेक्चर सुनने वाला दूसरे दिन हमारे भगवान को बोलेगा ये भगवान है। तो मेरे वजह से उसको बोला ना भगवान है, क्यों कि भगवान का मालूम भगत से पड़ता है, ऐसे नहीं पड़ता है। अभी हमारी सुविधा तुम कर सकते हैं, निंदा भी तू करा सकते हैं, श्रद्धा नहीं रखेगा तो निंदा भी कराएगा, ऐसी भी बात हो सकती है, पर श्रद्धा में श्रद्धा बढ़ती जाती है। तो गुरु के सामने तुम्हारे को कोई भगवान बोले और तू बोलो भगवान मेरे को आप समान बना दिया है, आप समान कैसे बना दिया, आत्मा तो एक है तो तुम दो है क्या जो तुमको मैंने आप समान बनाया, ये भी गलत वाणी बोलते हैं। भगवान एक होता है, दो नहीं होता है। तो टाइम पर तुम अंदर मिस्ट्री होके रहो ना, काय को बोलते हैं तो मेरे को भगवान ने आप समान बनाया, आप समान कोई दो है क्या जो मैंने तुमको बनाया, मैं ही तो हूँ, तुम भी बोलो मैं ही तो हूँ, बनाने की कोई चीज थोड़ी है, मसाला है क्या हमने बनाया है, ना बनाया ना बनाया है, पर जो सच्चा है सो सच्चा है, सच कभी छिपेगा नहीं। रजब तीनों लोक में छिपे नरी का दास, अब सूरज को तुम हाथ दियो तो सूरज हम तुमको छिपाते हैं, सूरज कैसे छिपेगा। तो कोई दिन ऐसे उमंग आता है जिसमें वो वाणी निकलती है, जिसमें वो उमंग आता है, रोज सेम वाणी भला क्यों नहीं चलती है। अब कोई आदमी समझे रोज एक ही आत्मा सुनाते हैं तो तुम कोई खुद बोलेगा तू पागल है क्या, एक दिन आत्मा सुनी तुमको पक्का नहीं होता है, तू रोज रोज क्यों सत्संग में जाती है, वो कौन सी नई बात सुन के आती है। अभी तुम सब बोलो तो रोज सेम बात चलती है, लख आकाश लख पाताल लख सृष्टि है, लख तुम्हारे अंदर प्राणी है, लख बात करना पड़ेगा। हमको किसी ने बोला इतने शास्त्र क्यों बने, मुझे तुम्हारी 84 लाख जूनी क्यों बनी है, अच्छा तुम्हारे बॉडी को इतनी दवाएं क्यों बनी है, आंख की अलग कान की अलग, 84 लाख दवाई भी है तुम्हारी, 84 लाख वो बुक्स है, 84 लाख तुम्हारी जूनी भी है, सब तो 84 लाख है। कितने अनंत वाणी पड़ी है, अनंत ये पड़ा है, अनंत दवाएं पड़ी है, अनंत मंच के लिए चीज कितनी बनी है, एक मंच के लिए बाजार सारी चलो कितनी, जिसका तुमने नाम भी नहीं सुना इतनी चीजें बनी है, तुमको बहलाने के लिए, तुमको फ्रेश रखने के लिए, तंदुरुस्त रखने के लिए, खुश रखने के लिए, इतने बाग बगीचे, इतने सुंदर हवा, इतने सुंदर फूल, तुम एक मंच के लिए भगवान ने कितनी नौकरी किया है वो तुमको मालूम पड़ता है।
तो वो गुरु ने ये मुख दिया है ना, तो भाई इतनी उस्तति निराकार की है, इतनी उस्तति साकार की भी है। क्योंकि कोई भी अपना खून न देगा तो कभी किसी एक को बना नहीं सकेगा। अब मम्मी अपने खून को संभाल करे तो बच्चा नहीं पैदा करेगा, तो बच्चे इतने कहाँ से पड़ेगा। तो बच्चे बढ़ते हैं ना, खून से सींचते हैं ना, मम्मी अपना डिजाल करती है ना, कितना बड़ी पैदा होता है, बड़ी कितनी रिक्षा करती है। जो माँ नहीं रिक्षा करती है उनके बच्चे बिल्कुल वीक है, बीमार है। तो गुरु को इनसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जितना मम्मी डैडी बच्चे से मेहनत नहीं करेगा, जितना गुरु एक एक भगत से मेहनत करेगा। वो तुमको मालूम नहीं पड़ता है तो तुम्हारे में आज इतना कुछ भी होश आया है, बोलने का, घूमने का, बताने का, ये होश कहाँ से आया। तो होश आता है तो सताना आता है दिल का। तुमको हमने होश दिया तो निराकार में गुरु नहीं शिष्य नहीं, तो तुम मेरे से बात करेगा तो आप ऐसे कैसे करते हैं, ऐसे कैसे करते हैं। तुमको अकल कहाँ से आया, तो भाई वो दिन नहीं होता है, वो दिन होता है। दिन ही नहीं बोलो ना, बोलो हर दिन को। हरिओम। भगवान जी क्या बोल रहे, सारी दुनिया को मालूम पड़े कि मैंने गुरु करा है। सारी दुनिया को कैसे पता चलेगा कि मैंने गुरु करा है? मेरे भाई बंधुओं के पास नहीं है ऐसा गुरु, दादा लक्ष्मी भगवान। तो मेरे आचरण से पता चलेगा जा कैसे? मुझे लेना देना भी गुरुओं का होके करना है। वो जो भजन है, जीवन ये आनंद भरा है, सब में आनंद गोल दो, लेना देना आनंद का हो, बाकी सारा छोड़ दो। हमारे पास भी जब कोई लोग बात होती है, क्यों नहीं होती, हमारे साथ कम होती होगी, उन लोगों को बाद में जब तक वो अंडरस्टैंडिंग नहीं करते हैं, हंसते नहीं हैं, तब तक मैं जाने भी नहीं देती हूँ। किसी का फ़ोन आए जब तक वो समझ नहीं गया है, मैं फ़ोन पकड़े रखती हूँ। समझना पड़ेगा ये सब चीज़ें, फिर वो क्या फ़ायदा। एक देवरानी जेठानी बिना ज्ञान वाली घर में बात कर रही है तो ऐसे लगता है ऐसे झगड़ रहे हैं। आजकल वैसे है ही नहीं, नो जॉइंट फैमिलीज आर देयर, सिस्टम इज़ गॉन नाउ, कितना मिल ख़त्म हो गया है। एक गुरु वाले बच्चे जो आपस में सत्संगी गुरु भाई बहन है, वो भी ऐसी बात करें तो फिर तो आई थिंक छोड़ के चले जाना चाहिए, वो बेकार है। गुरु मिले तो तीनों लोकों में हमारी बात फैलनी चाहिए, ऊपर से पाताल लोक, मृत्यु लोक और स्वर्ग लोक, तीनों को पता चले कि ये लोग गुरु वाले हैं। क्योंकि हम ना किसी का राग द्वेष करेंगे, ना किसी की निंदा। निंदा जब दूसरा भी करे ना, उसे बोलो देखो तुम पाप ले रही हो उसके, आज से कसम खा डालो, अगर मैं किसी दूसरे से बात करूँगी, जहाँ तो कुछ सीखना है तो ठीक है, अगर वो सामने है तो बात करो उसकी, नहीं है तो उसके लिए अच्छी वाइब्रेशन डालो कि उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाए। कसम खा लो, गुरु पूर्णिमा आ रही है, हम और ऊपर चढ़ जाएंगे। अपने आदतें हमारा भविष्य बनाती हैं, ये आदतें हमारा मोक्ष दिलवाएंगी, अगर मैं गुरु के कहने में चल रही हूँ। तीनों लोकों में बात फैलनी चाहिए कि ऐसा धरती पर इंसान कृष्ण जैसा कौन है, जो निर्विकारी, निराहारी और निर्वासनिक, तीनों चीज़ें हमारे में ख़त्म। दादा भगवान कहते थे कि मेरे सभी भगत लक्ष्मी को भी पहचाने। देखो गुरु क्या चाह रहा है, मेरी लक्ष्मी जो उनकी शिष्य है, दादा लक्ष्मी भगवान, मेरे भगत सभी उसको पहचाने। लेकिन उन्होंने क्या किया था, कभी अपने को आगे नहीं किया था। जैसे कार्ड शादी के छपाते हो तो ऊपर दादा दादी के नाम, रिश्तेदारों के नाम पहले लिखते हो ना, गणपति ओम नमः गणेशाय तो लिखते हो। लेकिन ऐसे ही उन्होंने अपने दादा का नाम, अपने गुरु का नाम हमेशा ऊपर रखा। मैं भी जब भी रतन में गई हूँ, कुछ एक्नॉलेज करना है, भगवान जी थैंक यू मेरा ऐसे कर दिया, तो वो कहाँ देखते थे, जहाँ दादा भगवान की फ़ोटो लटकी होती थी। शी इज़ गिविंग बैक टू गुरु, अपने दादा भगवान को, कि मेरा नहीं है, मेरे दादा का दिया हुआ ज्ञान। ऐसे ही हमें करना है, ना कि मेरा नाम आ जाए, उसको पीछे कर देते हैं हम, जिसके कारण टैंक ऊपर है किचन में तो नीचे पानी आ रहा है सिंक में, उसको पीछे करके हम बन जाते हैं।
ये मीनिंग हुआ इसका। आज हमारे दादा भगवान के ज्ञान को प्रकट किया है तो सभी पहचानते हैं, तद महिमा करते हैं। भगवान जी बोलते आज हमने दादा भगवान के ज्ञान को प्रकट किया है तो उनकी महिमा अपने आप हो गई ना, नहीं प्रकट करते तो अपने आप को प्रकट करते। और मैं आप सबको कैसे जानती, अगर वो नहीं होते मुझे आप कहाँ से जानते, मैं कौन हूँ, कौन पूछता था मुझे तेरी कृपा से पहले, उसकी कृपा के बिना मेरे को कौन पूछता। आप पूरा YouTube परिवार बने हो, हम कुछ यज्ञ करते हैं, कुछ करते हैं, चाहे हम देख नहीं रहे हैं, जान नहीं रहे हैं, आप सबकी तरफ से होता है। अगर आप भी कुछ करते हो तो पूरा जितना भी Zoom पे अगर है, जो परिवार में है, आप सामूहिक में ज़्यादा भगवान हमारी बातों को मानते हैं और पूरी होती हैं। हर एक दिन हमने अपने गुरु को प्रकट किया है अपनी वाणी में। भगवान जी बोलते हर वाणी में मेरा गुरु प्रकट हुआ है, मैं तो वो वाणी ही नहीं चलाऊं जिसमें मेरे गुरु का नाम नहीं आए और मेरा आए। मैं जल जाऊं, मर जाऊं, ख़त्म तुम हो ही नहीं। मेरे को एक बार वो आया था वचन, शायद मैंने पहले भी सुनाया, पैक्ड वचन हरिद्वार से, बहुत सालों की बात है, मे बी इससे 94-95 की बात है। 89 में मैंने ज्वाइन करा था, 94-95 में, जो मुझे पूरी तरह से पकड़ता है वो ख़त्म हो जाता है। शरीर तो वैसे भी मिथ्या है, क्यों ना खुशी से खाब करें। ये पैक्ड था, जैसे हम वचन लेते हैं ना गुरु पूर्णम को, 23 अप्रैल को, ऐसे पहले मिलते थे, ऐसे वो पैक्ड बड़ा सा वचन आया था मुझे। तो हमने ख़त्म ही तो होना है, चूरा होना है, भस्म होना है। भगवान ने हमको आप समान बनाया है, देखो ना कैसे कर देता है। जैसे बाप हमेशा चाहता है मेरा बेटा मेरे से आगे निकले, ऐसे भगवान ने हमको आप समान बनाया। एक दिन आत्मा सुनते हो तो पक्का नहीं होता है, इसलिए रोज़ रोज़ सुनना पड़ता है। जिंदगी भर ये ज्ञान है रोज़ रोज़ सुनना, लेकिन हम क्या करते हैं, रोज़ सुन के फिर दोबारा वो चीज़ सुनने जाते हैं। एक वचन लेके सुनो जो हमें गृहस्थ में, जॉइंट फैमिली हो तो आपको क्या चाहिए, अकेले हो तो क्या चाहिए, वो पक्का करना चाहिए। लख आकाश, लख पाताल, लख सृष्टियाँ हैं सारी दुनिया में। एक मनुष्य के लिए, उसके मनोरंजन के लिए कितनी चीज़ें बनाई हैं, ओ माय गॉड। आत्मा के लिए क्या है, और मनुष्य के लिए पिक्चरें, थिएटर, मॉल्स, किटियाँ, मनोरंजन, खिलौने, कपड़े, गहने, क्या चीज़ नहीं है, पार्टियाँ, पेड़ पौधे, झरने, पहाड़, आकाश में तारे भी दे दिए कि हमें अमावस्या की रात ना लगे। क्या करे भगवान और हमारे लिए। बच्चों को माँ कितना अपने खून से सींचती है, ऐसे गुरु हमारे लिए कितनी मेहनत करता है, ये कौन जानता है, बहुत बिरले जानते हैं कि गुरु कितनी मेहनत कर रहा है। देखते हो, हरिओम हरिओम, खूब सारे आशीर्वाद, गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। गुरु पूर्णिमा के लिए अपनी तैयारी कर लो अंदर से ही, चाहे आप जा सकते हो कहीं, अपने शहरों में तो जाते ही होंगे मुझे पता नहीं है, अंदर से ही अपने को पूरा इम्प्रूव करना है। बहुत थोड़े दिन रह गए, हरिओम, खूब सारे आशीर्वाद।